एवरी थिंग इज जस्ट इन समून सो आज इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं तो जैसा कि मैंने बोला था मैंने कमिट किया था फर्स्ट मंथ सभी मिल रही होगी आप अपने ट्राई करो ग्रुप बनाओ बैच बनाओ सब कुछ मैंने आपको बोला और इसके लिए आपको मैंने बोला आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो बोला कि नहीं बोला अब आप में से कितने लोग पढ़ पाए कितने ये लेक्चर देख पाए है ना जो फ्री में मैंने आपको एक्सेस दिया कितनी आपको समझ में आई ये सारे के सारे और वो सारे फीडबैक्स आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो और जो लाइव में बच्चे पढ़ रहे थे क्या फायर मचा रहे थे वो भी फटाफट फटाफट बता दो ताकि लोगों को दुनिया को पता चल सके कि हाँ हमने कुछ फोड़ा है हमने कुछ पढ़ा है तो so, मेरी अकाउंटेबिलिटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरी कमिटमेंट सेवन पी आने की आपको लेक्चर डिलीवर करने की मैंने पूरी करी डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे की वीडियो है देखोगे ध्यान से तो लेकिन मेरी एनर्जी में कहीं भी कुछ कमी रह गई हो तो बता देना मैं यहीं खड़ा हूं मैंने जैसा कि बोला था और किसी से भी अभी तक इन सभी सर्विसेज के अंदर हो या बाहर हो मिलना हो या कुछ भी हो एक रुपये भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया गया है एक रुपये भी तो कुछ बच्चे कह रहे हैं हमारे रजिस्ट्रेशन रह गए अरे रजिस्ट्रेशन किसी के कभी हुए ही नहीं यू मान के चलो सभी को जो जो मेरे को ज्वाइन कर रहा तो बस मैंने उनको एक गेट दिया आ जाओ बैठो तब थो थोड़ा बहुत समझते हैं एक महीना लगेगा हमें समझने में एक दूसरे को इन लेक्चर्स को मुझे आपको देने में तब आपको समझ में आएगा क्या मैं जो समझा रहा हूँ आपके दिमाग में छप रहा है कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ क्या उससे आप इंप्रूव हो रहे हो कि नहीं ऐसा तो नहीं है कि कभी कभी आपने बहुत सारे ऐसे बच्चे जब किसी ने ऑपरेटर किसी ने सिर्फ इनपुट आउटपुट तक पढ़ा था छोड़ो रहते। लेकिन हमने एक पेस में पढ़ा और एक महीने में हमने मैथड्स कर लिया कंडीशनल स्टेटमेंट इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स में आपने पूरा तक हम गए थे। वहां भी देखा हमने मैथड्स रिकर्शन तक भी पढ़ लिया तो ये सब आपको तभी पता चलेगा जब आप लेक्चर्स देखोगे तो मेरी कमिटमेंट थी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करने की क्या आपने कमिटमेंट पूरी करी इन लेक्चर्स को देखने की तो मैंने जो अकाउंटेबिलिटी अब लेने जा रहा हूं जो मैंने बोला था पेड़ अगर देते हो मुझे पैसे तुम्हारे एक एक पैसे का ध्यान रखा जाएगा तुमको उसके हिसाब से चीज मिल रही हो कि ना मिल रही हो यह किया जाएगा अगर मैं आपके बैच में नहीं आता हूं आपको पैसे देने के बाद तो आप मेरा कान पकड़ सकते हो अगर बोला सर कहां गए कहां आपने बोला था इतने बजे आना आए नहीं और इस कम्युनिटी में कुछ और ऐसे फीचर्स हैं जिनको लाने के लिए मुझे ऑफकोर्स फाइनेंशियली सपोर्ट भी चाहिए और तुम्हारे को भी मैं वो अर्न करने का मौका देना चाहता हूँ तो वो मैं पैसा कहाँ से लाऊँ मैंने जैसा कि बोला कम्युनिटी किसी एक बंदे से नहीं बनती है मैंने अपना दिखा दिया मैंने अपना रोल दिखा दिया मैं एक धागा बनने के लिए रेडी हूं अगर तुम खुद एक एक मोती हो एक और एक एक बंदे में बहुत सारी पावर है मुझे पता है सब मिलकर हम सुपर पावर बनाएंगे वो सिर्फ ऐसे बन सकती है सो so अब तुम्हें यह समझ में आ गया ये बंदा भाग के कहीं नहीं जाने वाला इतना करने के बाद भी कुछ बच्चे अभी भी नहीं सुधरे और ना वो सुधरेंगे और ना मैं उनको सुधारने का मैंने कोई ठेका लिया आई रियली डोंट केयर अबाउट यू गाइड्स आई रियली डोंट केयर अगर आप सीरियस नहीं हो आप सिंसियर नहीं हो तो मैं क्यों हूं तुम्हारे लिए मैं नहीं हूं ठीक है अगर आप फ्री में भी पढ़ रहे हो तो भी सर्विसेज दी है मैंने यार अब मैं बताता हूं देखो एक ये आयुष जवाहर करके है, भाई जो है करना है डिसाइड कर 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 ले बकवास मत कर, ये कर, वो कर। क्या करूं यार फिर मैं अगर लोग गलत चीज की मार्केटिंग कर सकते हैं तो मैं सही चीज की मार्केटिंग क्यों नहीं कर सकता मैं कर सकता हूं बार बार करूंगा ठीक है अब एक ने बोला तुम क्या केयर करोगे तुम धोखेबाज आदमी हो ये भी बोला था एक महीने दो हफ्ते पहले बंदों ने जब लेक्चर शुरू नहीं हुए तो मेरे करण अर्जुन बैच वाले बच्चों जरा इनको कमेंट सेक्शन में बता देना ठीक है इनको मत बताओ बस इसी कमेंट में कर दो तो इस वीडियो में कि क्या मैं आपसे मिला कि नहीं आपसे एक एक बच्चे से बात हुई कि नहीं आपकी एक एक चीज मेरे को पता है कि नहीं और आपको मेरी पता है कि नहीं क्या होने वाला है कैसे होने वाला है ठीक है एक ने बोला पढ़ाई का नाटक ज्यादा हो रहा है दो हफ्ते पहले मेरे को कोई भी एक लेक्चर ऐसा दिखा देना जिसमें मैंने लेक्चर में सिर्फ फर्स्ट वाली वीडियो में थोड़ा हमने जानने के चक्कर में एक दूसरे को मैंने किया है लेकिन किसी भी और वीडियो में आप दिखा देना कि मैंने इधर उधर की ज्यादा कहीं फालतू बात कर रहा हूं हमेशा टॉपिक दिमाग में छपाने की ही बात करता हूँ कहीं से भी मैं इधर उधर से भी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेके आता हूँ तब भी टॉपिक के ही बारे में बात करता हूँ टॉपिक से बाहर नहीं जाता कोई बच्चा कुछ बोल भी देता है तो भी मैं तुरंत टॉपिक पर आ जाता हूँ उसके बाद भी ये मैं रखता हूं और मुझे पता है कैसे करना होता है एक बंदे ने मेरे को बहुत बुरा लगा अभी थोड़ी देर पहले आया प्रियोरिटीज आर मोस्टली लाइक लू टू पेड लर्नर्स इन दिस सर्वर मुझे बहुत गुस्सा आया इस चीज़ के लिए यार इतना सब कुछ किया तुम्हारे लिए और फिर भी तुम ये बोल रहे हो कि प्रियोरिटी किसकी है भाई एक चीज दिखाता हूँ तेरे को ये देखिए इस डेस्ट्रो वाले बंदे ने जेडीबीसी के बारे में पूछा मैं जे की वीडियो दो तीन महीने पहले बना चुका हूँ ऐसी स्टेप सेटअप कन्फिग्रेशन की बहुत पहले बना दी अब मैं हर चीज के लिए हर एक टाइम पे अवेलेबल तो नहीं हूं ना तो उसके लिए मैं ये कम्युनिटी बना रहा हूं अब देखो इसने पूछा ठीक है इसको कोई प्रॉब्लम हुई इसने स्क्रीनशॉट भेजा स्क्रीनशॉट भेजने का ही मैंने रखा है ठीक है ये देखो इसने यहां पर स्क्रीनशॉट भेजा इसको इसने पूछा कि भाई ये मेरे को प्रॉब्लम आ रही है यहां पर देखो कि पी फॉर प्रोफेशनल पी फॉर प्रोफेशनल मैंने बोला है ठीक है वो प्रोफेशनल बंदा जो कहीं काम कर रहा है उस बंदे ने देखो यहीं की यहीं कल नौ चालीस पे इसको वहीं के वहीं आपको डाउट दे दिया इर कि आप फ्री में हो पेड में हो कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने प्रियोरिटी कुछ इसी हिसाब से कम्युनिटी में डिजाइन करी है वो मैं आपको बताता हूँ तो इसने बताया और साहिल ने यहाँ भी रिप्लाई किया इसका सो थैंक यू साहिल आपका कम्युनिटी में ये सपोर्ट दिखाने के लिए बट मेंटेन करो कि आप डाउट कहाँ हैं वहीं के डाउट वहाँ पूछो आपके लिए मैंने प्रॉपर बनाया है जावा डाउट्स करके तो वहाँ पूछो ताकि आपके दूसरे जो बच्चे आ रहे हैं उनको भी पता चले सच में यहाँ डाउट सॉल्व होते हैं यहां पर ऐसा नहीं है कि जो पेड़ दे रखा है उसके चक्कर में ऐसा कुछ नहीं है तो इसमें प्रियोरिटी कैसे है कम्युनिटी के अंदर किन लोगों को प्रियोरिटी मिली है तो किन लोगों को बता दू मैं सिंसियर सीरियस हैं जो और जो कम्युनिटी के लिए सच में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा प्रियोरिटी है सबसे ज्यादा प्रियोरिटी है इन जैसे बच्चों के लिए फिर उसके बाद प्रियोरिटी आ जाती है कौन से वाले बच्चों के लिए जिन बच्चों को सपोर्ट चाहिए हेल्प चाहिए ठीक है जिनके डाउट्स बहुत ज्यादा होते हैं जिनके किसी भी रिलेटेड डाउट है डीएसए जावा सेटअप कन्फिग्रेशन मेंटोर सपोर्ट कुछ भी आपको चाहिए ये सभी की सारी सर्विसेज हर एक बच्चे के लिए अवेलेबल है फ्री हो या पेड हो हर एक बच्चे के लिए इन कि भाई पैसा नहीं है तो क्या हम पढ़ नहीं सकते हम पढ़ सकते हैं मेरा फोकस ये सब चीजें देने का है आपको एट अफोर्डेबल प्राइस और अगर आप नहीं कर पा रहे हो अफोर्ड आज ये कर जाओ ये आपको ले जाओ और इसके बाद जब बन जाओगे तुम ऑलरेडी कम्युनिटी में सपोर्ट करने आओगे ये मैं जानता हूँ इसलिए ये डाउट सपोर्ट हो गया हमारा मेंटर सपोर्ट हो गया ये सारी की सारी चीज़ें मैं हर एक बच्चे तक पहुंचाना चाहता हूं हर एक बच्चे तक हु कैन अफोर्ड और हु कैन नॉट अफोर्ड और ये मैं सच बोल रहा हूं सबसे ज्यादा मेरा फोकस इन वाले बच्चों पे है जिनके साथ स्कैम हो चुके हैं ऑलरेडी उनसे पूछो लेक्चर्स में मैंने क्या क्वालिटी दी है गारंटी दे रहा हूं पांच रुपए का तो मैं पढ़ा चुका हूं ठीक है उन बच्चों से पूछो जिन्होंने लाखों रुपए फीस दिया हजारों रुपए में तीस तीस बीस बीस हजारों के जिनके साथ स्कैम हुआ जिनको वो लेवल का भी नहीं पढ़ाया गया उनसे पूछना वो आराम से बता देंगे तुम्हारे को शिवम सोनी तू बता सकता है ठीक है क्योंकि तुझे देखा है तूने दुनिया तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं मेरे जिनके लिए मैं करना चाहता हूँ जिनके लिए ये जो ये स्कैम्स होते हैं ये स्कैम्स मैं रोकना चाहता हूँ मेरी कम्युनिटी का सबसे बड़ा फोकस यही है मेरे जैसे लोग जो आ रहे हैं ठीक है मैं उनको क्या ही यार मैं कुछ मैं उनको पैसे नहीं दे सकता वो लाखों रुपये कहीं चार्ज करते थे कहीं कुछ करते थे या कहीं कंपनी में इतना टाइम जब देते हैं ना एक एक घंटे तो उसके वैल्यू होती है ठीक है तो जो बच्चे बोल रहे हैं कि भाई ये क्या है ये पैसे वाला सिस्टम चला दिया इसने देखो यार हमको कैसे पता चलेगा हमको ये कम्युनिटी कैसे ग्रो कर पाएंगे एक बात बताओ ठीक है कोई बंदा तुमको लाखों की सैलरी छोड़ के पांच सौ रुपए में पढ़ाने आ रहा है या 500 आ रहा है या पांच सौ रुपए में जब आधे घंटे है दो घंटे है तो कम से कम पचास लोग हों चालीस लोग हों अभी तुम कितने ही लेक्चर में आते हो मेरे टाइम पे तो यार ये इज्जत की बात है ठीक है मैंने बहुत लोगों को बोला कि मेरे पास इतने सारे बच्चे हैं जिनको जो बहुत ज्यादा सीरियस हैं सिंसियर हैं पढ़ाई को लेकर आप उनको मेंटर सपोर्ट डाउट सपोर्ट दो तो जब वो आ रहे अपना क्वालिटी ऑफ टाइम लेकर तो क्या आप उनकी इज्जत नहीं कर सकते हैं? मुझे कैसे पता चलेगा ठीक है फ्री में तो आते ही नहीं हो यार फ्री में आते ही नहीं हो ये तुम देख चुके हो ये जब मैंने एक्सेस दिया तुम्हारे को कितने लोगों ने ये शुरू करी थी आ, ठीक है सीरीज और कितने लोग फॉलो कर पाए बिकॉज जहां पैसा नहीं दिया होता कहीं ना कहीं सीरियसनेस तुम्हारी खुद ही कम होती है और फिर उसके बाद क्या भरोसा भी भाई दस जगह से मटेरियल मिल रहा है फिर दस जगह से एक ही चीज पढ़ने लग जाते हो पीएचडी करने लगते हो आराम से थोड़ा पढ़ो कम टाइम में और जितना आपको मिल रहा है टाइम ग्रेटर देन मनी वेरी वेरी ग्रेटर देन मनी ये बता रहा हूँ मैं आपको सो so, आपको वो जो चीज़ मिल रही है एक जगह जो सिस्टम मिल रहा है उसका फ़ायदा उठाओ यार मैं क्या बोल सकता हूँ बात करते हैं डाउट सपोर्ट मेंटोर सपोर्ट प्लेसमेंट सपोर्ट और सेटअप सपोर्ट की डाउट सपोर्ट बहुत सारे जो हमारे अर्जुन वाले बैच के बच्चे होंगे अर्जुन बैच के बच्चे जिनको मैं खुद पढ़ाता हूँ ठीक है और इसमें मैंने कुछ पेड रखे हुए हैं जिनमें भाई अगर तुम खुद से देखो किसी बच्चे का डाउट सॉल्व कर रहे हो और आपको एक रिवॉर्ड मनी मिल रहा हो ठीक है और वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास जाएगा वो भूखा रहेगा है ना कि मैं अपने डाउट पूछ अपने डाउट पूछ अपने डाउट पूछ तो इन बच्चों को मैं थोड़ा बहुत पे कर दिया करूंगा थोड़ा बहुत क्या बोला मैंने आपको मैं बताऊँ एक से लेके एक रुपए से लेके पांच रुपए का मैंने डाउट रखा हुआ है ये सॉल्व करेंगे इनको पैसा मिलेगा आराम से तो इसमें कुछ कंडीशन हैं, वो मैं बहुत जल्दी बता दूंगा तो ताकि हर एक बच्चे का डाउट सॉल्व हो रहा हो ठीक है और इसके बाद मेंटोर सपोर्ट हो गया मेंटोर सपोर्ट हमारा कोई भी अनप्रोफेशनल बंदा नहीं देगा कोई फ्रेशर नहीं देगा यहाँ पर जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जितने भी प्रोफेशनल्स हैं और मेरे पास यकीन मानो बहुत सारे हैं अभी ठीक है इतने हैं और मेरे से ज्यादा नॉलेज रखने वाले मेरे से ज्यादा अपनी इंडस्ट्री में फोड़ने वाले एक्सपर्ट हैं ठीक है मैं मैं कोई तीस मार खा नहीं हूं यार बस मेरे को जो चीज अच्छी आती है वो मैं तुमको डिलीवर कर रहा हूं जो उनको अच्छी चीज आती है वो तुमको डिलीवर करेंगे यहां पर बूटकोइम्स भी लेंगे आपको पढ़ा भी देंगे ठीक है आपके प्रोजेक्ट्स भी बनवा देंगे रियल टाइम जैसे बनते हैं तो अभी हमारी कम्युनिटी में एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है अगर आपने देखा हो तो वो प्रोजेक्ट ये है अटेंडेंस रजिस्टर रियल टाइम में यूज होता है बच्चों की कोई भी इंस्टीट्यूट वाला हो कॉलेज वाला हो ठीक है ये सब जगह अटेंडेंस तो होती ही रहती है कहाँ नहीं होती अटेंडेंस ठीक है कंपनी में हो गई तो हम एक ऐसा अटेंडेंस रजिस्टर बना रहे हैं जो बहुत ही वेटेड हो जिसमें डेटाबेस हैवी यूज ना हो रहा हो एपीआई की कॉल हो रही हो ज्यादा से ज्यादा तो इसमें अगर आप करना चाहते हो इनरोलमेंट ठीक है फ्री में भी आ सकते हो तो तुम सीखने को बहुत मिलेगा पचास लोग मिलकर जब एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो कितना सीखने को मिलेगा जस्ट सोच के देखो ठीक है रिज्यूम में एक कोई क्लोन बना के ले गए हम पूरा यूट्यूब बना के आ गए तो कोई नहीं मान लेगा यार ठीक है सबको पता है कोड कॉपी करके लाए लेकिन आप देखोगे पचास लोगों ने बनाया था ये वाला प्रोजेक्ट और मतलब ये एप्लीकेशन और जिसके अंदर मेरा ये रोल था ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो दर्शाया जाता है कि टीम क्वालिटी है आपके अंदर टीम के साथ कैसे कम्युनिकेट किया जाता है कैसे आपको कोड वहाँ डालना होता है डिप्लॉय होता है हर एक चीज होगी इसके अंदर यार मजाक नहीं है सिर्फ जावा डी एस से हम सबको जोड़ने का काम कर रहा है जैसा मैंने बोला या मन स्टेक हो या जावा फुल स्टैक हो सब कुछ सिखाया जाएगा लेकिन बस मैं नहीं सिखा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास वो टाइम नहीं है लेकिन और ज्यादा लोग जो एक्सपर्ट हैं उन चीजों के उन टेक्नोलॉजी के वो तुम्हारे को सिखाएंगे कोई फ्रंट एंड का यहाँ पर एक्सपर्ट है कोई बैक एंड का है कोई डेटाबेस का है तो तीनों को मिला के एक एप्लीकेशन बनता है और तीनों ही महारथी तो इस लेवल की चीजें हैं यहाँ पर अब तुम मुझे ये बताओ तो मुझे, बताओ, मुझे बताओ इन सबको फ्री में जोड़ना कैसे पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है ना बट अफोर्ड नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं जो तुम पांच सौ रुपए का इंटरनेट रिचार्ज करवा रहे हो उससे जो मेरी वीडियो देख रहे हो क्या हो रहा है उससे भी कहीं ना कहीं हेल्प होगी अभी तक दोनों में से मेरा कोई भी चैनल मोनिटाइज नहीं है अभी भी बता रहा हूं मैं ठीक है इस पर भी काम चल रहा है मुझे भी समझ नहीं आ रहा है ठीक है हिट एंड ट्रायल करे जा रहा हूं फिर भी मैं मेरा जोश कम नहीं हुआ है मेरी फायर कोई कम नहीं हुई है क्योंकि मैं पढ़ाने आया हूं और आप पढ़ने आए हो जब हम दोनों मिल गए एक कम्युनिटी पे एक जगह मिल गए ठीक है डिस्कॉर्ड पर मिल गए यूट्यूब पर मैं लेक्चर्स दे सकता हूं अब वो उसके बाद मोनिटाइज हो या ना हो वो थोड़ा ना ज्यादा होना चाहिए ज़्यादा फोकस क्या होना चाहिए लेक्चर्स पर कि वो ज्यादा क्वालिटी में जा रहे हैं कि नहीं वही रहता है मेरा प्लेसमेंट सपोर्ट अगर किसी बच्चे को दो तीन महीने में अगर जॉब चाहिए इनके लिए मैं एक स्पेशल बैच भी बना रहा हूँ इस टाइम पे और जब हमारा होता है तो रिज्यूम बनवाना ठीक है एक मॉक इंटरव्यू ले लेना बच्चों का बता देना कि ये सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करके जा ठीक है और उनसे पूछ लेना ये उसके बारे में थोड़ा बहुत तो इस पर भी मैं ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ क्योंकि जॉब लेना इज़ जस्ट एन आर्ट हर चीज़ पता होना जरूरी नहीं होती है जॉब के लिए ठीक है तब तक तुम्हारे दो तीन महीने होते हैं वहाँ तक जो उसके अंदर चीज़ें वो चल रही होती है समझने में ठीक है फिर दो तीन महीने उनको पता लग जाता है कि अच्छा वो ट्रेनिंग देते हैं फिर पता चलता है उनको कि तुमको कुछ आता नहीं है तो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जॉब ले लेते हैं तो ये ट्रिक्स हैं ठीक है वो कौन बता सकता है जिसने ली है सेटअप सपोर्ट हो गया मैंने कभी सेटअप की वीडियो डाली है मैं नहीं बता सकता आप कमेंट सेक्शन में लेकिन मैंने इस सेटअप सपोर्ट के लिए एक अलग से सेक्शन बनाया तो आप जाकर वहां भी पूछ सकते हो और एक इसमें और सर्विस रखी गई है अगर आपको कभी जरूरत पड़ती है कॉल सपोर्ट चाहिए तो एक रिसेप्शन एरिया बनाया है मैंने वो कुछ ऐसा दिखता है रिसेप्शन एरिया और रिसेप्शन वीसी ठीक है ये चैट सेक्शन है यहाँ आप अपना पूछ सकते हो कुछ भी आपकी यहीं पर सुनवाई होगी ठीक है एक रिसेप्शन पे एक कॉल सपोर्ट है ये सेवन से नाइन पी मैंने अभी एक्टिव किया सेवन पी एम ही है ये ए नहीं है भाई मेरे पास कोई इतना बड़ा बंदा नहीं है एक दो बंदे हैं जो अपना इस टाइम पे आ जाएंगे जो कोडिंग वाला टीम करके कोडिंग वाला टीम करके अगर आपको कोई वहां दिख जाता है कॉल पर तो आप कॉल ले लो मैसेज कर सकते हो किसी भी टाइम पर वो मैसेज आपका चेक किया जाएगा ट्वेंटी फोर बाय सेवन के अंदर ठीक है तो कुछ बच्चे मेरे को करते हैं कमेंट सर हमारे को बता दो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है कहां लिंक हो गया कहाँ ये हो गया कहाँ बार बार ये जैसे अमूल्य कल कर रही थी तो प्लीज मेरे को हर जगह ये मत करो रिसेप्शन एरिया पे अपनी क्वेरी छोड़ दो ठीक है कोई भी प्रॉब्लम होती है रजिस्ट्रेशन से लेकर कोई भी प्रॉब्लम होती है फॉर्म फिलिंग से लेकर कुछ भी प्रॉब्लम होती है कुछ भी एनीथिंग कम्युनिटी में कुछ नहीं हो रहा है किसी ने मिसबिहेव किया कुछ भी किया तो यू कैन टेक सपोर्ट फ्रॉम हेयर गॉट इट लेकिन फिर भी यहां पे भी सुनवाई नहीं हो रही है फिर उसके बाद मतलब मेरे को टैग मत करना डायरेक्ट एट द रेट कोडिंग वाला टीम को टैग करना है एट द रेट कोडिंग वाला टीम ठीक है कोडिंग वाला टीम करके आएगा उसको टैग करोगे वो रिस्पॉन्सिबल है आपको जवाब देने के लिए और फिर वो मेरे पास आ जाएंगे सवाल इनडायरेक्टली इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई बच्चे ने आपके साथ मिसबिहेव किया कुछ भी हुआ कम्युनिटी में किसी ने आपको कुछ बोला ठीक है बुली होती है हरेसमेंट होता है कुछ भी होता है या कोई आ, पेमेंट से रिलेटेड इशू होता है आपने पेमेंट कर दी है ठीक है उसके बाद भी आपको अभी तक एक्सेस नहीं मिल रहा है ठीक है आपने पेमेंट किया सब कुछ है आपके पास प्रूफ है उसके तो पाई पेमेंट करिए तो उसके बाद मिलना चाहिए एक्सेस है ना तब आप कर सकते हो तभी करना उससे पहले रिसेप्शन एरिया में आप मैसेज छोड़ देना या उससे कॉल पे मिल लेना बोल देना भाई हमारा नहीं हो पाया और ये दो दिन वेट करना दो दिन टू डेज वेट करो टू टू थ्री डेज में टू टू थ्री डेज के अंदर आपको एक्सेस मिल जाएगा आपको सारे नोटिफिकेशन आने लग जाएंगे आपके जो भी रिलेटेड होगा तब हेल्प डेस्क में जाओ जब बिल्कुल इमरजेंसी है कहीं सुनवाई नहीं हो रही है मुझे भी डीएम कर करके थक चुके हो बहुत सारे बच्चों को मैं कर रहा हूं मैं बिजी हूं तब आप यहाँ करोगे तो ट्वेंटी फोर आवर्स के अंदर ये आपकी क्वेरी रिजोल्व की जाएगी दिस इज माई प्रोमिस दिस इज माई प्रोमिस लेकिन कोई भी क्वेरी ऐसे नहीं है करके छोड़ दे रहे हो वहां पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो अगर आपने कुछ जनरेट करी है या टिकट जनरेट करी है तो आपको भी एक्टिव रहना है ट्वेंटी फोर आवर्स के अंदर ठीक है आपको जैसे ही जवाब मिल रहा है आप तुरंत वहीं पर रिप्लाई देना शुरू करो अब इन सब चीजों में इन सब लोगों को पैसा तो देना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा ही सही लोग अपना अगर सपोर्ट दे रहे हैं इसका ये मतलब तो नहीं है ठीक है तो वो पैसे कहां से आए यहां मैं कंपनी तो चला नहीं रहा लाखों रुपये तो है नहीं फ्री में भी तुमको कैसे दे दूंगा जियो वाला तो मैं हूं नहीं भाई और जियो पहले देगा फ्री में बाद में लूटेगा तो फ्री कुछ होता ही नहीं है फ्री कुछ होता ही नहीं है तो मैं कितना कमिटेड हूं कितना अकाउंटेबल हूं अपनी चीजों को लेकर अपने काम को लेकर तुमको पढ़ाने के लिए मैंने दिखा दिया अब तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी और तुम्हारी कमिटमेंट और तुम्हारा सपोर्ट दिखना चाहिए इसके अंदर अब बताओ मुझे अब वो कैसे तुम करोगे बैचेस में इनरोल करके कोई जायदाद नाम नहीं लिखवा रहा तब तुम पांच हजार दस हजार देने के लिए राजी थे आज देखता हूं कितने लोग राजी हो तो देखो एक करेंट बैच है पाँच दस हजार रुपये की जब जरूरत ही नहीं है अगर अफोर्ड कर सकते हो ट्राई करो यार फाइव हंड्रेड एटलीस्ट ट्राई करो लेकिन आपके अंदर ये नहीं होनी चाहिए कि भाई मैंने फाइव हंड्रेड यहाँ पर फीस दी है फाइव हंड्रेड फीस दी है फीस दे के मत समझना ठीक है कोर्स खरीद लोगे ऐसा कुछ नहीं है ठीक है कोर्स नहीं खरीद पाओगे यार तुम बस कम्युनिटी में जुड़ने के लिए तब कर पाओगे तो मैं बताऊंगा इसमें करंट बैच में जैसे 500 फीस का क्या फायदा भी है उसका भी ठीक है और नहीं है तो एक फ्री क्लासरूम बनाया है मैंने इकलव्य बैच के नाम से इकलव्य बैच में भी आप इनरोल कर सकते हो इकलव्य बैच और ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है जीरो रुपीज जीरो रुपीज में बोल रहा हूँ तो जीरो रुपीज बस आपको इंटरनेट रिचार्ज करवाना है और वो आपको यहाँ दिख जाएगा इकलव्य वेक्टर्स के वहां पर ठीक है करंट बैच से थोड़ा सा ऊपर तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि भाई यहाँ पर हमारा ये क्लासरूम है यहाँ पर हमारा डाउट सपोर्ट भी आपको दी जाएगी थोड़े दिनों बाद जब तक आप सीरियस मेरे को दिख जाओ थोड़े कि ये बच्चे सीरियस है इनको डाउट सपोर्ट कॉल पर भी चाहिए ओके okay.